खबर। जिला मुजफ्फरनगर तहसील बुराना ब्लॉक शाहपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुरवालियान से नव निर्वाचित प्रधान श्रीमती बालो पत्नी शौकत दूधिया व उनके परिजनों ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी ने प्रधान पति शौकत व उनके कुछ समर्थकों से की बात। कहाँ रहते हो? ये बताइए, जो प्रधान जीते हैं शौकत, क्या वो काम करा रहे हैं यहाँ पर? ठीक काम करा रहे हैं। साफ सफाई चल रही है। सैनिटाइजर भी ठीक। गुलजार कहाँ रहते हो? पुरवालियान। ये बताइए, जो प्रधान जी जीते हैं कौन है? शौकत। तो क्या आपके मोहल्ले में घर घर पे सैनिटाइजर करा रहे हैं? सब कुछ करा रहे हैं। साफ सफाई अच्छी तरीके से करा रहे हैं? जी। ये बताइए, कौन से गाँव में रहते हैं आप? पुरवालियान। पुरवालियान में जो प्रधान जीते हैं, क्या कैसा कार्य करा रहे हैं? बढ़िया करवा रहा है। तो करवा दी गाँव में भी कूड़ा लगा रखा सफाई के लिए, सैनिटाइजर। हाँ जी, सब करवा रहा भाई। तो हसरत, ये बताइए कौन से गांव में? पुरवालियान। पुरवालियान में अच्छा काम हो रहा है? प्रधान जो करा रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सफाई वगैरह? हाँ, सब कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मीरसन। मीरसन, ही बताइए कौन से गाँव में रहते हो? पुरवालियान। सफाई वगैरह हो रही है यहाँ पे? हाँ, सफाई। प्रधान अच्छा कार्य करा रहे हैं? साफ सुथरा, किसी को परेशानी तो नहीं है? परेशानी आओगी जब वो मुस्तफा। ही बताइए कौन से गांव में रहते हैं? पुरवालियान। क्या अच्छा काम करा रहे हैं प्रधान जी यहाँ पर? हाँ, फिलहाल तो ठीक। कौन प्रधान जीता है? शौकत। आपकी मनमर्जी काम हो रहा है? हाँ, बढ़िया काम। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी, बताइए कौन से गांव में रहते हैं आप? पुरवालियान। पुरवालियान में, ये बताइए जो यहाँ से विजय हुए हैं प्रधान जी, क्या नाम है उनका? श्रीमती बालो। श्रीमती बालो, उनके पति का नाम? शौकत। क्या यहाँ पर गांव में कोविड को लेकर, ये बताइए कैसा यहाँ पर कार्य कर रहे हो? सबसे पहला काम क्या? आपका नाम? शौकत। शौकत जी, बताइए यहाँ से चुनाव कौन लड़ा था आपके घर में से? हमारी वाइफ बेटी। क्या नाम है उनका? श्रीमती बालू। श्रीमती बालू, आप उनके पति हैं जी। तो ये बताइए, यहाँ पर कार्य योजना आपने जैसे कितनी वोटों जीते थे? हमारी जीत तो 200 हुई। 200। ये बताइए, यहाँ पर कोविड को लेकर आप कैसी व्यवस्था है दुरुस्त कर रखी है आपने गांव में? कोविड को लेकर तो जी हमारा पूरा मतलब जाने का ध्यान कोविड पे ही है। तो सफाई वगैरह कैसे करा रहे हैं? हम हर बस्ती, हर मोहल्ले की, हर जगह कोई ऐसी गंदगी नहीं छोड़ रहे गांव में जो बीमारी का वो बने, और सब जगह की सफाई कर रहे हैं, नाले खाले। अच्छा, आगे भी करेंगे आप? जब तक हमारी योजना रहेगी 5 साल तक यही जाने का। क्या सबका साथ सबका विकास वाला काम करेंगे? सबका साथ सबका विकास। क्या कोई भेदभाव का मुद्दा रहेगा यहाँ पर? हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, सबका सबका विकास। ठीक। सब पत्नी यहाँ से श्रीमती बालू जी लड़ रही थी, क्या नाम बताया आपने? बालो। ये बताइए, यहाँ पर आप आभार व्यक्त कैसे करेंगे गाँव वासी हुआ? आभार व्यक्त तो करूँगा जी, मान लो जिस मुझे जिस गाँव में मान लो बहुत मान सम्मान दिया, वोट दी, और मुझे हर गांव में हर जाति ने वोट दिया। तो आपको सभी लोगों ने वोट दिया है? सभी लोगों ने वोट दिया और हर जाति ने वोट दिया। मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा, सबका सम्मान करूँगा और सबके साथ मिलकर काम करूँगा। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे उन लोगों ने आपको प्यार दिया, ऐसे ही आप देते रहेंगे उनको प्यार? हाँ जी, ऐसे ही प्यार, 24 घंटे इनके लिए सेवा में उपलब्ध रहेगी। ठीक। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, क्या बनवा पाएंगे आप गांव में? अजी, मैं तो ज़्यादातर कोशिश करूँगा अपने गांव में, मतलब ज़्यादातर। कौन से गांव में करोगे? पुरवालियान में। पुरवालियान, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? शाहपुर। ठीक। अच्छा, मैं तो इस गांव के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ के लॉकडाउन का पालन करें और बीमारी से बचने की कोशिश करें। सभी गांववासी अपने घर में रहें, सभी गांववासी अपने कोई जरूरी काम से निकले। बाहर के आने वाला जो गांव में जो बाहर से आने वाला आदमी, उसे हमें सूचना करें, हम उसका डॉक्टर से सैंपल वगैरह करवाएं और इसका पालन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाँव से बीमारी भगाने का हिसाब बनावे, सफाई का अपना ध्यान रखें। हम 24 घंटे के साथ हैं, कहीं कोई गंदगी नजर आवे हम उसमें इनका साथ देने के लिए तैयार है। कहीं कोई गंदगी हो, किसी किस्म की कोई आदमी बीमार हो, 24 घंटे यहाँ हम इनके लिए काम करने के लिए तैयार बैठे हैं।